बुक के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया कि किस तरह की बुक है और क्या इंस्पायर्ड किया आपको ये बुक लिखने के लिए? सो ये एक्चुअली पोइट्री बुक है एंड इंस्पिरेशन मुझे बहुत लोगों की लाइफ से मिली है, मेरी खुद की लाइफ से मिली है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं उनकी लाइफ से मिली है एंड मुझे हमेशा एक ज़्यादा ईजी रहा है राइटिंग करना रादर देन बोलना. सो ये सारे मेरे इमोशंस या जो लोगों के इमोशंस हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं, इट्स ऑल इन वर्ड्स इन पोइट्री. राइट, तो यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, तो क्या उनको भी आपकी पोइट्री सुनने का मौका मिलेगा या फिर सिर्फ पढ़ने का मौका? नहीं, मैं ज़रूर एक पोएम स्पीक करूँगी एंड आई होप आप सबको अच्छी लगे. राइट, तो इसके अलावा इस बुक में मतलब कौन सी, किस तरह की बुक आप लिखना पसंद करेंगी या फिर ऐसी कोई बुक है जो सेलिब्रिटी के ऊपर लिखी जाए या फिर? एक्चुअली मुझे लगता है कि जितनी भी बुक्स होती हैं सब बहुत अच्छी होती हैं, बिकॉज हमेशा जो लिखने वाला इंसान होता है वो हमेशा एक अपने खुद के मकसद से लिखता है एंड जो रीडर होता है वो उस उनके उनको यू नो पहुंचने की कोशिश करता है. सो ऑब्वियसली सारी बुक्स अच्छी हैं एंड मैं नेक्स्ट टू बुक्स ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन देम, फिक्शन है एक, नॉन फिक्शन है, तो आई होप कि इसी तरह का बढ़ावा एंड सहारा मिले एंड आई होप आई कैन ऑल्सो प्रोग्रेस. मुझे लगता है अगर मैं कभी भी बायोपिक या स्टोरी लिखूंगी तो इट्स गोइंग टू बी माय डैड, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ बाय हिम एंड उनकी काफ़ी रैग्स टू रिचेस स्टोरी है और मैं हमेशा बहुत ही एक प्राउड डॉटर रही हूँ. सो आज मैं जहाँ पर हूँ, जो हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम एंड इट्स नॉट ओनली हिम, ऑब्वियसली हर एक इंसान जो मेरी लाइफ में है, स्पेशली माई हस्बैंड एंड मतलब अगर कुछ मुझे डेडिकेट करना है तो आई वुड डू टू दैट. सो बहुत सेलिब्रिटीज़ बट बहुत आम लोग होते हैं जिनकी लाइफ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तो अगर मुझे किसी से भी इंस्पायर्ड होना है तो आई थिंक कोई भी आप ले लो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है. मैम आपको इस बुक के लिए, इस प्लान के लिए आपको क्या, कैसे आपको लगा कि ये प्लान आपको कुछ करना चाहिए स्टोरी के बारे में? मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे एक तरह का कुछ करना है, मुझे ये मालूम था कि मुझे क्या करना है एंड धीरे 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 आई थिंक समवेयर द यूनिवर्स ऑलवेज हेल्प्स एंड लोग जुड़ते जाते हैं, साथ में आइडियाज़ जुड़ती जाती हैं और एक जो छोटी सी चीज़ या एक छोटी सी सोच होती है जो शुरू होती है वो एक्चुअली जब आखिर में बनती है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. सो इसमें बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बहुत लोगों का, इलस्ट्रेशंस राज ने किए हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, कवर बुक बहुत अच्छी है एंड पब्लिशर का बहुत सपोर्ट रहा है एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है. सो इट्स बिन वंडरफुल. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.